हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग साथ बहुत ही अमेजिंग किचन की टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो मेरा यहाँ पर सबसे पहला टिप्स है इस तरीके का पाउच वाला, कोई भी मतलब कोलगेट हो या फिर स्क्रब हो, क्रीम हो, किसी भी चीज़ का डिब्बा को लेकर के। तो जब ये ख़त्म हो जाते होने पे रहती है ना, तो निकलती ही नहीं रहती है। तो इसके लिए मैं इसे क्या करूँगी ना, इसे मैं बेलन की सहायता से निकालूंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, इस तरीके का बेलन लेना है, रोटी बेलने वाला बेलन, और उसकी सहायता से हम इसे इस तरीके से बेलेंगे। जैसे मैं बेल रही हूँ, देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा ना, एक ही बार में ये निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये खाली हो चुकी थी, ये हाथों की सहायता से नहीं निकल रही थी, तो मैंने इसे बेलन की सहायता से निकाल लिया है। तो इससे क्या होगा ना, ये हमारा बर्बाद भी नहीं होगा उतना, और एक एक 3-4 दिन एक्स्ट्रा भी चलेगी। ये कोलगेट का पेस्ट हो या फिर क्रीम हो, स्क्रब हो, कुछ भी हो, बहुत ही काम देता है इस तरीके का पाउच को इस तरीके से निकालने के लिए। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा लहसुन को लेकर के। तो सबके घरों में लहसुन रहता है, खाना में पड़ता है ये। तो क्या होता है ना, लहसुन में इस तरीके का काला काला लग जाता है, ये फुकला हो जाता है, छिलका बन जाता है लहसुन हमारा। तो अंदर का जो वो उसका पार्ट होता है ना खाने वाला, वो ख़त्म हो जाता है। तो वो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं टिक पाता है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ लेके आए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का डलिया लेंगे, बकेट टाइप वाला, और इसमें ना मतलब नीचे में छिद्र नहीं होना चाहिए, पूरा मतलब ठीक होना चाहिए। और उसके बाद हम आपका जितना लहसुन है, जितना क्वांटिटी में, उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप लीजिएगा डलिया। उसके बाद हम इसमें आटा डाल देंगे 2-3 चम्मच के करीब, इस तरीके से आटे को, गेहूं का आटा या फिर कोई भी आटा हो, डाल के इसे फैला देंगे इसमें। और इसके बाद एक न्यूज़ पेपर लेंगे, और न्यूज़ पेपर या फिर कोई भी पेपर हो, टिश्यू पेपर हो, कोई भी लेंगे, उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और जितना हमारा लहसुन है वो हम इसमें रख देंगे। आपका लहसुन का मात्रा जितना है उस हिसाब से टिश्यू पेपर लीजिएगा, और इसे हम अगर ढकने वाला है तो ढक दीजिए, नहीं तो वैसे ही आप इसे रख सकते हैं। तो देखिएगा ना, हमारा लहसुन मतलब बहुत ही दिन तक चलेगा और छिलका भी नहीं बनेगा इसका, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप से हमारा आटे को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए, गुठा हुआ आटा का जब भी हम मतलब रोटी बनाते हैं, तो क्या होता है ना, तवे पे रोटी बनाते हैं तो वो हमारा तवा जो है ना चिपकने लगता है, रोटी सटने लगती है, जल्दी जल्दी पक के नहीं निकलती है, कच्ची कच्ची रोटी निकल जाती है। या फिर डोसा बनाओ या फिर वो क्या कहते हैं रोटी बनाओ, कुछ भी। तो हम क्या करेंगे ना, तवा को चढ़ा देंगे, उसे गर्म होने देंगे, उस पर हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक नमक को रब करेंगे सूती वाले कपड़े से इस तरीके से। तो क्या होगा ना, हमारा तवा जो है बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि न्यू न्यू धोने के बाद जो तवा पे रोटी बनाते हैं तो वो चिपकने लगती है और जल जाती है रोटी, कच्ची रह जाती है और झड़कने लगती है रोटी। तो इसे हम इस तरीके से निकाल देंगे नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, और इसे हम इस तरीके से साफ़ कर लेंगे। और जो हमारा नमक बचा है ना, उस नमक को हम क्या करेंगे, साफ़ सफाई में यूज कर लेंगे।